असलम वेलकम टू तो लर्निंग लाइट्स बाय क्राउ मेर आज लेक्चर नंबर ट्वेंटी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज टू से आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट फाइव क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट सिक्स टू पॉइंट सेवन एंड टू पॉइंट एट इन चार क्वेश्चन का कम्प्लीट सोल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट फाइव है डिटेल ऑफ मंथली बजट ऑफ टू फैमिलीज रिप्रेजेंट दिस फिगर थ्रू अ सटेबल डायग्राम डिफरेंट आइटम्स आपको दे दी गई हैं आपके पास है फूड क्लोथिंग हाउस रेंट फ्यूल एंड लाइटिंग मिसलेनियस और टोटल फैमिली ए का बजट आपको दे दिया गया फैमिली बी का बजट दे दिया गया आप, आप देख रहे हैं कि आपको इसमें कहा गया है रिप्रेजेंट दिस फिगर थ्रू अ स्वइटेबल डाइग्राम आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने मल्टीपल बार डाइग्राम बनाना है या आपने सब डिवाइडेड बार डाइग्राम बनाना है सिंपल बार डायग्राम आप इस क्वेश्चन की नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास दो फैमिलीज का बजट दे दिया गया अगर सिंपल मेरे पास ये कॉलम मिस होता तो आप क्या कर सकते थे आप सिंपल बार डायग्राम बना सकते थे लेकिन हमारे पास टू फैमिलीज का बजट है तो इट्स मीन सिंपल बार डायग्राम तो नहीं बनेगी आप या तो इस क्वेश्चन की बना सकते हैं मल्टीपल बार डायग्राम या आप इस क्वेश्चन में बना सकते हो सब डिवाइडेड बार डायग्राम इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर ट्वेल्व में लेक्चर नंबर ट्वेल्व में मैंने इस क्वेश्चन का मल्टीपल बार डायग्राम बनाया था और लेक्चर नंबर थर्टीन में मैंने इस क्वेश्चन का सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाया था आप इन लेक्चर्स को विजिट कर लीजिएगा आपकी बेहतर रहनुमाई हो जाएगी पर मैं आपके पास क्वेश्चन आ जाता है यही क्वेश्चन और यही हैडिंग दे दी गई है आपके पास रिप्रेजेंट दिस फिगर थ्रू अ सुटेबल डायग्राम तो आपकी चॉइस है आप चाहें तो मल्टीपल बार डायग्राम बनाएं या आप चाहो तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाएं इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोनों तरीक़ों से करने की कोशिश की थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेक्चर नंबर ट्वेल्व और लेक्चर नंबर थर्टीन दोनों का लिंक्स मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पॉइंट सिक्स रिप्रेजेंट थ्रू अ डायग्राम आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स हैं आपके पास और डिफरेंट अमाउंट आपके पास आ रही है आपने क्या करना है पा डायग्राम बनाना है का आंसर आपको 15 में मिल जाएगा लेक्चर नंबर फिफ्टीन में फर्स्ट पे तो हम लोगों ने पाए डायग्राम को डिस्कस किया था इसकी बेसिक डेफिनेशन की थी बेसिक डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टेप सीखे थे की कैसे हम पाए डाइग्राम बनाते हैं और फिर इस डेटा को पिक करते हुए मैंने लेक्चर नंबर फिफ्टीन में पाए डायग्राम बनाया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेक्चर नंबर फिफ्टीन का भी लिंक मिल जाएगा आप देख लीजिएगा आपकी बेहतर रहनुमाई हो जाएगी नेक्स्ट आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट सेवन टू पॉइंट सेवन में आपको कहा गया है डिफाइन फ्रिक्वेंसी हिस्टोग्राम ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिविंग द स्टेप्स इन्वॉल्व आपको मिड वैल्यूज प्रोवाइड की गई है जिसे एक्स कहा गया है नेक्स्ट आपको फ्रिक्वेंसी दे दी गई है और आपने इस क्वेश्चन का क्या करना है हिस्टोग्राम बनाना क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में हम लोगों ने हिस्टोग्राम को डिस्कस किया था इसकी बेसिक डेफिनेशन को हिस्टोग्राम की बेसिक डेफिनेशन और कंस्ट्रक्शन स्टेप्स के बाद जो जो मैंने क्वेश्चन पिक किया था वो था टू पॉइंट सेवन तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन आपको लेक्चर नंबर फोर्टीन में मिल जाएगा पॉइंट एट फर्स्ट पे हमें कहा गया है ए पार्ट राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ड्राइंग ग्राफ्स के आंसर कुछ इस वे से है द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर ड्राइंग ग्राफ्स आर गिवन बिलो फर्स्ट पे राइट द टाइटल ऑफ ग्राफ जो भी आप ग्राफ बना रहे हैं फर्स्ट पे तो आप क्या करेंगे टाइटल देंगे कि जी ये मेरा सिंपल बार डायग्राम है ये मेरा पाई चार्ट है ये मेरा सब डिवाइडेड बार डायग्राम है तो टाइटल मस्ट है आपके पास क्लियरली लेबल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आप क्या करेंगे अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेबल करेंगे हमें पता है कि एक्स एक्सिस मेरे पास आ रही होती हैं हॉर्जोंटल लाइन्स और वाई एक्सिस मेरे पास होते हैं वर्टिकल लाइन्स आप इन्हें लेबल करेंगे विद द नेम ऑफ वेरिएबल्स और आप मेंशन भी करेंगे कि आप अपने एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं वाई एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं थर्ड पे आप मेंशन करें मेंशन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑन बोथ एक्स एक्स मेंशन करेंगे यूनिट ऑफ के हमें पता है कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिफरेंट बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया गया है फोर पे आपके पास आ रहा है मेंशन स्केल ऑन बोथ एक्स एंड वाई एक्सेस आप अपने ग्राफ के टॉप पे राइट साइड पे स्केलिंग मेंशन करेंगे आप अपने एक्सिस की और वाई एक्सिस की फिफ्थ आपके पास आ रहा है कीप द ग्राफ सिंपल आप अपने ग्राफ को क्या रखेंगे सिंपल रखेंगे पॉइंट एट का बी पार्ट है इसमें आपको कहा गया है इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द मीन लेंथ ऑफ लीव्स फ्रॉम आ सर्टेन ट्री अ साम्पल ऑफ हंड्रेड लीव्स वाज चूजन एंड देयर लेंथ आर मैड इन मिलीमीटर्स अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल वॉज सेटअप एंड द रिजल्ट वर एज फॉलोइंग मिट वैल्यूज आपको दे दी गई हैं और फ्रीक्वेंसी आपको प्रोवाइड की गई है आप देखें इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है डिस्प्ले द डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन आप क्या करें फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन बनाएं ये जो डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है इस क्वेश्चन का कैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन बनाना है इसका आंसर आपको लेक्चर नंबर सिक्सटीन में मिल जाएगा ई पार्ट है इसका वट आर द बाउंड्रीज ऑफ इंटरवल्स हुईंट इस थ्री पॉइंट सेवन इसका सोलूशन हम देख लेते हैं वट आर द बाउंड्रीज ऑफ द इंटरवल होवन ये देखें आपको मैंने इसमें लिया एच इज़ इक्वल टू जीरो मुझे कैसे पता चला कि आपके क्वेश्चन का जो इंटरवल है वो है ज़ीरो पॉइंट फाइव तो आप देख रहे हैं कि डेटा आपके पास मौजूद है टू पॉइंट सेवन थर्ड है थ्री पॉइंट टू आप इनमें से कोई से भी दो कंजेक्टिव क्लासेस ले लो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दो क्लासेज ले ली आप 5.2 में से जब 4.7 माइनस करेंगे ना तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.5 इस तरह हम एज फाइंड आउट हम लोगों ने किया है मिट वैल्यूज से भी एज हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से भी ट्राई करें 2.7 टू 2.2 तब भी एज आपका आ रहा है जीरो फाइव इस तरह जी मुझे पता चला कि एज है जीरो पॉइंट फाइव आप बाउंड्रीज आप कैसे निकालेंगे हमें पता है जी क्लास बाउंड्रीज जो होती हैं मेरे पास उसमें पहले क्या होता है लोअर क्लास लिमिट और सेकंड पे आ रहा होता है अपर क्लास लिमिट तो फार्मूला है आपके पास x माइनस एच बाई टू ये है लोअर क्लास लिमिट के लिए नेक्स्ट आपके पास x प्लस एच ओवर टू अपर क्लास लिमिट के लिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम आपको कहा गया है कि आपने थ्री पॉइंट सेवन जो आया था मिड पॉइंट उसके अंगेस्ट क्लास लेनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे थ्री पॉइंट सेवन माइनस ज़ीरो पॉइंट फाइव डिवाइड बाई टू तो आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी और अपर के लिए आप क्या करोगे पॉइंट सेवन प्लस जीरो पॉइंट फाइव डिवाइड बाई टू तो ये आपके पास आ जाएगी अपर क्लास लिमिट थ्री पॉइंट सेवन तो यूँ ही माइनस ज़ीरो पॉइंट टू फाइव जब आप ज़ीरो पॉइंट फाइव को टू से डिवाइड करोगे और नेक्स्ट देखें आप थ्री पॉइंट सेवन प्लस जीरो पॉइंट टू फाइव ये अपर क्लास बाउंड्री के लिए या अपर क्लास लिमिट के लिए तो इस पे आपके पास आंसर आ रहा है आ पास आ रहा है थ्री पॉइंट फोर फाइव और जब आप थ्री पॉइंट सेवन में प्लस कर देंगे जीरो पॉइंट फ़ाइव तो आपके पास आंसर आ जाएगा थ्री पॉइंट नाइन फाइव तो जी ये है मेरी लोअर क्लास लिमिट या लोअर क्लास लिमिट और ये है मेरी अपर क्लास लिमिट जब मेरे पास मिड पॉइंट आ रहा है थ्री पॉइंट सेवन जो फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर्स को देख रहा है उसे अजीब लग रहा होगा कि टीचर क्या कर रही है यहाँ पे कह रही है टू पॉइंट एट को सॉल्व करते हैं और इसका आंसर आपको लेक्चर नंबर सिक्सटीन में मिल जाएगा एक्चुअली स्टूडेंट्स मैंने अपने चैप्टर नंबर टू को स्टार्ट कुछ इस वे से किया था कि डायरेक्ट एक्सरसाइज को पिक नहीं किया था मैंने टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को पिक किया था उसकी बेसिक डेफिनेशन उसकी प्रॉपर्टीज़ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स उनको सॉल्व करने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहा था ना वो मैंने एक्सरसाइज से पिक कर लिया था इसलिए क्वेश्चन कुछ शफल हुए होंगे आपके पास क्योंकि मुझे लगता है कि ये बेहतर वे है आपके वो सिखाने के लिए डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज स्टार्टिंग कर सकती थी लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अपना ख्याल रखिएगा अला हाफिज़